अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं इस्तखार अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब वीडियो चैनल मिस्टर इलेक्ट्रिशियन। सो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक पीवीसी पाइप को बेंड किस तरह डाला जाता है, 90 डिग्री पे, 45 पे, या उसका ब्रिज किस तरह बनाया जाता है एक पीवीसी पाइप को। सो टुडे आई एम गोना शो यू हाउ टू मेक द बेंड ऑफ ए पीवीसी पाइप। आई हैव अ पीवीसी पाइप। इसके लिए आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। उसके लिए आपके पास पाइप होना चाहिए। ये एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग से जो मैं यहाँ मलेशिया में जो बेंड डालते हैं वो स्प्रिंग की मदद से डालते हैं। हर कंट्री में अपना अपना स्टाइल होता है, अपने अपने तरीक़ेकार से डालते हैं, लेकिन यहाँ पे ये स्प्रिंग यूज़ होता है। एक इंच के लिए अलग स्प्रिंग है और जो 20 mm का पाइप है उसके लिए अलग स्प्रिंग है। ये मेरे पास एक स्प्रिंग जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ओके, उसके बाद आपको एक कटर चाहिए होगा, पाइप कटर। ये मेरे पास एक पाइप कटर है, ये देखें, यहाँ पे ये यूज़ होता है। आपके पास जो भी चीज़ यूज़ होती है आपने वो करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि एक पीवीसी पाइप की 90 किस तरह डाली जाती है, उसको 90 डिग्री पे किस तरह बेंड किया जाता है। ये मेरे पास पाइप है तो आपने कितना उसको बेंड डालना है आपने अपनी पैमाइश कर लेनी है, जितना भी आपको चाहिए होगा। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल पैमाइश करता हूँ यहाँ से यहाँ तक, मुझे ये 400 पे बेंड चाहिए। ये मैं मार्क कर लेता हूँ 400 पे, 400 mm पे। तो उसके बाद मैं क्या करूँगा, उसके बाद मैं जो स्प्रिंग का सेंटर है, स्प्रिंग का सेंटर कोशिश करूँगा यहाँ पे ले लूँ। ये देखिए, ये सेंटर है, ये यहाँ पे मैंने ले लिया और यहाँ से मैं इसकी पैमाइश कर लूँगा कि मेरी वायर कितनी अंदर जाएगी पाइप के। यहाँ पे मैंने इसको बेंड कर लिया इस तरह, तो इस तरह मैं पाइप को पाइप के अंदर ये अपना स्प्रिंग डाल दूँगा। ये डल गया यहाँ तक। तो उसके बाद आपने क्या करना है, अपने जो लेग की नी की मदद से इसको बेंड डालना है इस तरह, जिधर आपने ये मार्क किया हुआ है आप इस तरह नी को इधर रखें और इसको करें इस तरह बेंड। ठीक है जी, इस तरह आप इसको बेंड डाल सकते हैं। तो ये बिल्कुल छोटा सा बेंड है, इसको आप बड़ा भी कर सकते हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ कि बड़ा किस तरह किया जाता है। इस तरह ये 90 डिग्री पे बेंड डाल जाएगा। तो बाद में आपने क्या करना है, ये स्प्रिंग बाहर निकाल लेना है इस तरह। ये बाहर आ गया और मेरा जो बेंड है वो कंप्लीट। इस तरह आपने इसका बेंड डालना है। तो ये चूँकि छोटा सा है, अब इसको बड़ा आपने करना है तो बड़ा किस तरह कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ आपने। ओके, मैं अभी अपने थ्रू ही मैच ले लेता हूँ ऐसे। ओके जी, यहाँ आ गया। तो आपने जब बड़ा बैंड डालना थोड़ा सा, तो इसको इस तरह आप थोड़ा सा लंबा बैंड डाल सकते हैं इस तरह करके अपनी नी की मदद से। ओके जी, तो इस तरह आप इसको बड़ा और छोटा बैंड डाल सकते हैं 90 डिग्री इस तरह। ये देखें, पहले वाला बैंड छोटा था, जो उसकी गोलाई थी वो छोटी थी, अब इसको मैंने बड़ा, ये मैंने बड़ा डाल दिया। तो इस तरह आप किसी भी पाइप को, अगर आपके पास एक इंच का पाइप है 25 mm का या 20 mm का, तो इस तरह आप किसी भी पाइप का बैंड डाल सकते हैं स्प्रिंग की मदद से। तो उसके बाद इसकी 45 किस तरह डाली जाती है, तो 45 भी सेम आपको पाइप चाहिए होगा। आपको कहाँ पे 45 चाहिए आपने सबसे पहले वहाँ पे उसको पैमाइश कर लेनी है। मुझे यहाँ पे चाहिए, मैं फिर वही देखूँगा कि मेरा पाइप कहाँ तक आता है स्प्रिंग में। तो इस तरह आप उसके अंदर डालेंगे स्प्रिंग को, तो इसको हल्का सा बेंड करेंगे, ज़्यादा आपने नहीं करना। ओके जी, हल्का सा। उसके बाद इसको आप थोड़ा सा बाहर खींचें, जिधर आपको चाहिए होगा आपने इस तरह सीधा करना है और ये ले आप इस तरह 45 भी इसकी डाल सकते हैं। ये देखें, ये बड़े आराम से 45 इसकी बन गई। ओके, इस तरह आप किसी भी पाइप का स्प्रिंग की मदद से 45 डाल सकते हैं। ये इसकी 45 है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, इसका चेक कर लें कि ये सीधा है या नहीं सीधा। अगर नहीं सीधा तो आप इसको थोड़ा सा स्प्रिंग इसके अंदर ही रहने दें,
और इधर उधर करके आप इसको सीधा कर सकते हैं। मेरा पाइप चूँकि सीधा है तो मुझे ज़रूरत नहीं इसको सीधा करने की, तो बाद में आप इस तरह स्प्रिंग को बाहर निकालें और ये मेरी 45 कंप्लीट। उसके बाद ब्रिज, आप इसका ब्रिज किस तरह बना सकते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। सेम 45 की तरह ही है, मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा काट लेता हूँ ताकि मुझे पाइप मेरा ज़ाया ना हो। ओके जी, अब मैं इसका आपको ब्रिज बना के दिखाता हूँ कि एक पीवीसी पाइप का ब्रिज किस तरह बनाया जाता है। सेम आपने क्या करना है, इसको डाल देना है इसके अंदर। ओके, ये इस तरह थोड़ा सा आपने बैंड डाला, इसको बाहर निकाला, थोड़ा सा आपने उल्टा कर देना है ये। ओके, उसके बाद इसको थोड़ा सा आपने बड़ा करना है ये सेंटर वाले को। ओके, इस तरह। उसके बाद फिर आपने इसको थोड़ा सा बाहर निकाल लेना है अपने स्प्रिंग को, ताकि जिस जगह पे हमने बैंड डालना है वो उस जगह पे हमारा स्प्रिंग लाजमी होना चाहिए। तो इस तरह आप ये लें। ओके, ये मेरा ब्रिज बन गया। ओके जी, इसको थोड़ा सा और मैं बैंड करता हूँ, थोड़ा सा छोटा है। ओके, तो इस तरह आप इसका पीवीसी पाइप का ब्रिज भी बना सकते हैं अगर इसको कोई मसला आता है। ओके, इस तरह आप उसको सीधा कर सकते हैं पाइप को, आपका पाइप सीधा होना चाहिए। ये ले जी, इसके बाद आपने क्या करना है, स्प्रिंग को निकाल देना है बाहर और ये आपका बैंड कंप्लीट हुआ पीवीसी का। तो ये तीन ही बैंड अमूमन यूज़ होते हैं पीवीसी पाइप में, ब्रिज हो गया, 45 हो गया और उसके बाद 90। तो इस तरह आप किसी भी पाइप का जो आपके पास इंची का है या 20 mm का है या उससे छोटा या बड़ा है, स्प्रिंग की मदद से आप बैंड डाल सकते हैं। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, और हाँ, किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।